फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। ये पूरा मामला लाइन पार के आजाद नगर के जिला अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मृतक के पति ने CMS आलोक शर्मा को इस मामले की लिखित शिकायत दी है। मैं अपनी सिस्टर को सुबह मॉर्निंग में सरकारी ट्रामा सेंटर में लेके आया, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने रेफर कर दिया 4 नंबर वार्ड के लिए। तो 4 नंबर वार्ड में बोल रहे थे भैया अगर बेड नहीं खाली है, मेरे पास मरीज पूरे हैं। तो मैं बेड चेक करने गया, 4 बेड खाली थे। तो मैंने विधायक जी से फोन ला कर कहा, मैंने विधायक जी ने वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने ये कहा कि मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं मानसिक विभाग रोग में भेज रहा हूँ। मैं मानसिक विभाग रोग में लेकर आ गया तो यहाँ पर उन्होंने एक बोतल लगा दी है, और सुबह से मैं कई बार कह रहा हूँ भाई मेरा मरीज ज़्यादा हालत में है, देखो उसको। तो डॉक्टर लोग कहते हैं अरे एकदम थोड़ी नहीं, हम कुछ कर देंगे। लगभग 7 बजे की करीब ये महिला ने अंतिम सांस ली है, उसके बाद थोड़ा सा परिजन थोड़ा आक्रोशित हो गए थे। उनका ये था कि कुछ लोगों ने जो पर्चियाँ थी कि इनसे हमारे स्टाफ के कुछ लोगों ने बाजार की दवाइयाँ ली, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं मंगाना चाहिए था, हमारे पास से ही सारी दवाई लगनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने भी ये दवाइयाँ मंगाई हैं उनके खिलाफ़ उन्होंने शिकायत दी है, उसके खिलाफ़ पूरा एक्शन लेना।